नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज खास है बीएमडब्ल्यू वाला दंगाई। जहांगीरपुरी दंगे में जो मुख्य आरोपी अंसार है वो आधा करोड़ रुपए की गाड़ी का मालिक है। दिल्ली दंगों से जुड़ी और भी बहुत खास कहानियां हमारे पास। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल कहा था कि दिल्ली दंगों में नजीर बनने वाला एक्शन होना चाहिए। आज 5 मुख्य आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून एनएसए लगा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बाबा जी से मिलाते हैं। ये बाबा जी दंगे के समय उस रथ पर बैठे थे जो शोभा यात्रा में शामिल थे। ये वीडियो देखिए। इसी रथ पर बजरंग बली की मूर्ति रखी थी। हमारी रिपोर्टर श्रुतिका ने इन बाबा जी को खोज निकाला है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाबा जी से सुनेंगे कि दंगे में क्या हुआ था। हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो क्योंकि इन्होंने दंगाइयों को सबसे करीब से देखा है। ये वीडियो देखिए, इसमें आप शोभा यात्रा देख रहे हैं, मूर्ति के साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें तिरंगा भी लगा है। लेकिन जिस तरह की पत्थरबाजी चारों तरफ से हो रही है रथ पर, ये देखिए रथ पर जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है। ये बाबा वहां से गुजरे, उसके बाद उनके जो भक्तगण थे वो खींच के ले गए, उन्हें चोटें आई थी। आइए सुनाते हैं, हमारे सहयोगी ने बात की है इस बाबा से। जब हम करीबन 5:30 बजे करीब मस्जिद के सामने मैं पहुंचा तो पीछे से भगदड़ मची। तो पूछा भाई क्या हुआ कि ऊपर से पत्थर फेंका जा रहे हैं, कांच की बोतलें फेंकी जा रही हैं। वो सब मेरे भगत थे, सब भाग गए। भाई भागना जरूरी था, जान की सुरक्षा थी। तो मैं हनुमान जी को छोड़ नहीं सकूं, तो हनुमान जी मुझे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि हनुमान जी की पत्थर मूर्ति जी गिर जाती। तो आप गाड़ी पे बैठे रहे तो एक पत्थर आया, वो पत्थर आगे हनुमान जी की पूंछ को लगा, वो मुझे फिर आग लगा, फिर मुझे पैर पे भी लगे। दो मेरे भगत थे जो ट्रॉली को खींच रहे थे तो उनको भी लगे, मगर लास्ट तक फिर आगे जाकर तो और उधर इतना भारी हो गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है? बताइए कि आपने कहा कि आपके चोट लगी, कहाँ कहाँ आपके चोट लगी? अरे वो तो अब ये लगी थी पैर पे, ये देखो गड्ढा हो रहा है, ये पैर में मेरे में गड्ढा हुआ हुआ है। वो छोटी चोट नहीं है, ये तो हम साधु बर्दाश्त कर जाते हैं। छाती में भी लगी है मगर छाती के अंदर चोट है। अगर वो पूंछ के ऊपर पत्थर नहीं लगता तो शायद मेरी हड्डी टूट जाती। आप बताइए वहां से निकले कैसे? निकले क्या, उन्होंने जब लास्ट में उधर से उग्रवादी ज्यादा आ गए, वो बहुत ज्यादा थे, तो मेरे जो भगत थे दो जो उसको रथ को खींच रहे थे, उन्होंने कहा बाबा भागना पड़ेगा। तो हम भाग गए तो उस रथ को उन लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, और उस जहाँ वो छोड़ा था वहाँ मेरी चादर भी गिर गई। सब जिस हमें तो जान बचानी थी, एक गली में घुस गए, वहाँ एक दो चार भगत थे, उन्होंने कमरे में हमें अंदर लिया, पानी वानी पिलाया, और करीब 3-4 घंटे तक मामला शांत नहीं हुआ। वो लोग गली में भी ढूंढते आए। बात ये भी है कि जिस गाड़ी में आप बैठे थे ये कहा गया कि उसमें हथियार थे या आपके साथ? अरे वो ये झूठ का बोलना और धरती का सोना। भाई जो एक बात बताओ, हम रामलीला करते हैं उसमें धनुष्बाण भी होता है, भाले बच्चे भी होते हैं, वो सब आर्टिफिशियल थे। लेकिन आर्टिफिशियल एक होता है, सभी लेते हैं। चलो हम तो आर्टिफिशियल ले रहे थे, मगर उनके पास तो ओरिजिनल गन थी जो एक स्पाई को लगी है। तो बाबा की जुबानी आपने सुना जो कुछ इन्होंने देखा है। अब हम आपको जहांगीरपुरी दंगे के 3 और वीडियो दिखाते हैं जो दंगे के हालात में दंगाइयों और पुलिस की स्थिति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। दिखाते हैं आपको पहले वीडियो। पहले वीडियो में दंगे की कौन सी जो स्थिति है वो स्पष्ट होती है। टूटी हुई गाड़ियां दिखती हैं, पुलिस ह्यूमन चेन बनवाकर भीड़ को रोक रही है, भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही है, बार बार पुलिस की ह्यूमन चेन को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रही है। ये भीड़ जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर इकट्ठा है। स्थानीय सी ब्लॉक की तरफ जो सड़क जाती है उस पर भीड़ इकट्ठा है। ये चौराहे के उस मुहाने पर खड़ी है जहां से एक रास्ता मस्जिद की ओर जाता है और दूसरा रास्ता उस आबादी की तरफ जहां दंगे के 3 मुख्य आरोपी रहते हैं। वीडियो में अजान की आवाज भी सुनाई दे रही है। वैसे तो अजान का मकसद नमाज के वक्त की जानकारी देना है, लेकिन भीड़ इसका अनसुना करती है, लगातार नारेबाजी करती रहती है। कैमरा जब घूमता है तो टूटी गाड़ियां दिखती है, सड़क पर पत्थर आग भी दिखाई देती है, लोगों का हुजूम आपको सामने दिख ही रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में दिख रहा है कि हिंसा कुशल चौक से कैसे शुरू होती है। कुशल सिनेमा हॉल है वहां पर, मस्जिद के पीछे बने ब्लॉक्स की तरफ से काफी लोग
कुशल चौराहे पर पहुंच रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे, कांच की बॉटल्स हैं, पुलिस भी मौजूद है। धीरे धीरे भीड़ हिंसक होती जाती है, पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चलने की आवाजें भी फिर आने लगती है। सुनाते हैं आपको, सुनाइए जरा। अब हम आपको दिखाते हैं वीडियो नंबर 3। इसमें दिन से रात हो चुकी है लेकिन हिंसा थमी नहीं है। पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। भीड़ की ओर से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। पुलिस और दंगाई आमने सामने, सुनिए गोली की आवाज। तीनों वीडियो आपने देख लिया, ये आपको लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये तीन वीडियो पूरी कहानी लगभग साफ कर दे रही है आपसे, क्योंकि पुलिस जिस तरह से जांच आगे ले जा रही है, एनएसए भी कुछ लोगों पर लगाया गया है, क्या तस्वीर साफ हो रही है इन तीनों वीडियो के जरिए? देखिए, तस्वीर इतनी साफ हो रही है कि ऐसा लगता है कि पहले से ये साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, क्योंकि बाकायदा जो भीड़ है और जहां इस वक्त कुशल चौक पर मैं मौजूद हूं, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तस्वीर इस साइड की है जहां पर ह्यूमन चेन के जरिए जो भीड़ है उसको रोका जा रहा है, भीड़ उग्र हो रही है, इस तरफ तमाम छतों पर लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक तस्वीर इस तरफ की है। दूसरी तरफ जहां से पुलिस टीयर गैस के गोले छोड़ रही है, आपको बताऊं जहां इस वक्त पुलिस की मौजूदगी है, यहां से पुलिस जो ठीक सामने की तरफ जो उग्र भीड़ थी उनको रोकने की कोशिश करती है और टीयर के गैस के गोले यहां से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन भीड़ सामने से पुलिस का मुकाबला करने के लिए कांच की बोतलें और पत्थर फेंक रही है। तीसरी तस्वीर जब हिंसा शुरू हुई थी, ये दुकान तस्वीरों में आपने देखा होगा जना, ये जूस कॉर्नर है जहां से भीड़ भागती हुई दिखाई दे रही है, कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। उसके पास इस जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ये यहां से गुजरते हुए जा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि आगे आगे फ्लैग मार्च हो, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तो यहां पर पत्थरबाजी होती है, यानी जुलूस में जो लोग शामिल थे वो इस तरफ थे, जबकि जो दूसरा गुट था वो इस तरफ था, और उसके बाद आमने सामने जमकर पत्थरबाजी होती है और उस वीडियो में गोली चलने की भी आवाज सुनाई देती है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध हथियार, कट्टा, तलवारें आखिर आई कहां से? क्या घरों में लोग तलवार लेकर रखते हैं? ये अपने बड़ा सवाल है। न सिर्फ शोभा यात्रा में लोगों ने तलवार ली हुई थी, बल्कि दूसरी तरफ से एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जब एक शख्स कार के नीचे से, ऐसा लगता है कि कोई कूड़े का ढेर था, उसके अंदर से तलवार निकालता है। तो राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है चिंता की बात होगी। हालांकि ये राहत की बात थी कि इतने बड़े पैमाने पर भीड़ थी, हिंसक भीड़ थी, जिनके हाथ में हथियार था, उसके बाद भी जो पुलिस की कुछ यहाँ पर टीम थी उसने काफी हिम्मत दिखाई और एक बड़ी हिंसा को टाला जा सका है। अंजना, बिल्कुल धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों को हुए अब 4 दिन गुजर चुके हैं, ये नए वीडियोस क्या बता रहे हैं हमने आपको दिखा दिया। पुलिस की जांच, कुछ फोन कॉल्स, सीसीटीवी फुटेज, इसी के साथ 24 अरेस्ट हुए हैं, फोरेंसिक सबूत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पुलिस कहती है कि जांच जारी है, इसीलिए इनकार किसी चीज से अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अफवाहों से बचे। पुलिस जानना चाहती है कि दंगा हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी, साजिश थी कि धार्मिक आयोजनों में हो रही हिंसा से इस दंगे से कोई रिश्ता है। इस पूरी जांच में एक आरोपी बहुत खास है, उसका नाम है अंसार। कुछ लोग कहते हैं कि वो मददगार है, हर मुश्किल वक्त में लोगों के काम आता है। कुछ लोगों का कहना है कि वही दंगों का मास्टरमाइंड है। अंसार वही आरोपी है जिसने अदालत जाते वक्त पुलिस की हिरासत में वो जो पुष्पा फिल्म के खलनायक की तरह अपनी गर्दन के नीचे हाथ घुमाया था। हिम्मत देखिए इसकी, हिमाकत देखिए, बल्कि हमारी जांच में इसकी जिंदगी के अब कई राज खुले हैं। आरोपी अंसार की 15 तस्वीरों के जरिए हम उसके किरदार में छिपे दंगे के सुराग आपके सामने लाए। करते हैं। क्या नाम है तेरा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निकलना भागने में आसानी रहती है ना। नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। अपराधियों पर बनी बॉलीवुड की फिल्मों में जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो गरीब बच्चे बड़े होकर
दुनिया पर राज करने का डायलॉग बोलते हैं। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। महल है तेरा मेरा हम दोनों का, देखना तू एक दिन हम ऐसे ही महल में रहेंगे राजा लोगों की तरह। पक्का अंगूठा लगवा ले। हिंदी फिल्मों की ये स्टाइल असल जिंदगी में भी दिखती है। दिल्ली दंगे के जिस आरोपी अंसार की कहानी बताने जा रहे हैं, उसे भी रईस होने का नशा था। वो खुद को हिंदी फिल्मों के खलनायकों की तरह समझता था। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। सही गलत कुछ भी करके जिंदगी में अमीर और रसूखदार बनने की कहानी का एक और चेहरा है आरोपी अंसार। पुलिस एफआईआर के मुताबिक उसके पिता का नाम अलाउद्दीन है और उम्र 35 साल। दंगे के आरोपी अंसार को पुलिस हिस्ट्री सीटर बताती है। उस पर दो मुकदमे मारपीट के, अपराध रोकथाम के लिए निवारक अरेस्ट, 5 बार जुआ खेलने का मुकदमा। अंसार की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों में पुलिस के आरोपों के सुराग और दंगे से उसके जुड़ाव की दिशा दिखती है। बीएमडब्ल्यू कार के ऊपर पैर रखकर खड़ा शख्स अंसार है। इस पर जहांगीरपुरी में दंगा कराने का आरोप है। बीएमडब्ल्यू से चलने वाला दंगे का आरोपी आप पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो ऐसी नई कार की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए होती है, लेकिन मामूली से इलाके में रहने वाला अंसार ऐसी गाड़ी से चलता था। उसके दोस्तों की तस्वीरें भी इस गाड़ी के साथ है। दूसरी तस्वीर में देखिए, दंगे का आरोपी अंसार एक राइफल लेकर खड़ा है। इस पर मारपीट का मुकदमा भी दर्ज है। यह खुद को दबंग दिखाना चाहता था। गले में मोटी सोने की जंजीर, उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियों के साथ दंगे के आरोपी अंसार की कई तस्वीरें हैं। इन सब में वो अपने दोस्तों के साथ है या अकेले, लेकिन सोने का प्रदर्शन कर रहा है। दंगे के आरोपी अंसार की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो नोटों की गड्डियों के साथ दिख रहा है। 2000 रुपए के नए नोट हो या फिर नोटबंदी के पहले के 1000 रुपए के लाल लाल वाले नोटों की गड्डी, वो कई बार ऐसे नोटों के साथ खुद के रईस होने का ऐलान करता दिखता है। ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी में बैठकर दिखता है। अपने ऑफिस में लेदर जैकेट और लैपटॉप के साथ फोटो खिंचवाता है। हवाई अड्डे के बाहर अपने शरीर पर पड़े गोल्ड की प्रदर्शनी करते दिखता है। गोल्डन कलर के जगुआर के साथ बार बार फोटो खिंचवाता है। खुद के रॉयल होने का संकेत देना चाहता है। अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ नशे की पार्टियां करता दिखता है। अपने दोस्तों के साथ वो गोल्डन जगुआर लेकर फोटो खिंचवाता है तो उसकी तस्वीर में एक साथ कई रिमोट कंट्रोल दिखते हैं। अक्सर जब सट्टेबाजों के हाथ छापे की तस्वीरें आती हैं, तो उनके यहाँ कई फोन और कई रिमोट कंट्रोल दिखते हैं, जो एक साथ कई टेलीविजन चलाने के काम आते हैं। ये संयोग से ज्यादा है कि अंसार के नाम 5 मुकदमे भी गैम्बलिंग एक्ट में दर्ज हैं। अंसार के घर के आसपास लोगों से बात करने पे पता चला कि उसके कबाड़ का काम पहले ही बंद हो चुका है। मोबाइल का बिजनेस इतना बड़ा है नहीं कि वो लोगों का मददगार बन सकता। तो आखिर फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके पास पैसे की कमी नहीं थी? जांच में पता लगा है कि अंसार के खिलाफ 5 मुकदमे गैम्बलिंग एक्ट के पहले से ही दर्ज है, यानी अंसार सट्टे बाजार का काम करता था। पुलिस इस मामले में आगे और जांच कर रही है। अंसार वल्द अलाउद्दीन, उम्र 35 साल, दिल्ली पुलिस का हिस्ट्री सीटर। ये भी अमीर बनना चाहता था। वो भी अपने इलाके में बॉस बनने की ख्वाहिश रखता था। शायद फिल्मों की तरह ही वो अपने काले कारनामे छिपाने के लिए गरीबों की मदद का नाटक भी करता था। लेकिन अब अंसार की स्क्रिप्ट में जो नाटकीय मोड़ आ गया है, उसमें वो नायक बनने का नाटक नहीं कर पाएगा।
अगर आरोप साबित हुए तो अपने असली किरदार में ही वो अब पहचाना जाएगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज तक की टीम दंगे के सुराग तलाश रही है और जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी नंबर वन अंसार की कुंडली भी खंगाल रही है। अब आपको अंसार का वो सच हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो एक रहस्यमय किरदार के रूप में नजर आता है। बंगाल के हल्दिया से दिल्ली के जहांगीरपुरी तक आज तक की टीम ने अंसार की पड़ताल शुरू की। हम भी हैरान रह गए। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इन रहस्यमय रास्तों से होकर दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का रास्ता निकलता है और इस रहस्यमय रास्ते पर आज तक की टीम पहुंच चुकी है। जहांगीरपुरी दंगे के सुराग की तलाश में ये रास्ता पश्चिम बंगाल में हल्दिया के कुमार ग्राम की तरफ जाता है और यहीं से खुलती है जहांगीरपुरी के आरोपी नंबर वन अंसार की कुंडली। आज हम आपको बंगाल के हल्दिया से दिल्ली के जहांगीरपुरी तक अंसार का वो सच दिखाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। वो अंसार जिस पर जहांगीरपुरी में दंगा भड़काने का आरोप है, वो अंसार जिस पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर और गोली चलवाने का आरोप है, वो अंसार जिसे पुलिस जहांगीरपुरी का सबसे बड़ा विलेन बताकर गिरफ्तार कर चुकी है, वो अंसार जिसके खिलाफ शोभा यात्रा के मुख्य संयोजक और अपनी गर्दन के पीछे से तलवार का वार झेलने वाले उमा शंकर दुबे गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले अंसार के खिलाफ दंगा भड़काने पर पूरी गवाही सुनिए, उसके बाद बात आगे की होगी। हाँ, मैं जानता नहीं था लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। कौन थे ये लोग जो उसे कह रहे थे ये बात? उन्हीं के साथ के लोग रहे होंगे। क्या कहा उन्होंने अंसार को? अंसार भाई किसी को छोड़ना मत, जान से मारना है। एक तरफ तो अंसार जहांगीरपुरी दंगे का सबसे बड़ा विलन बना हुआ है, दूसरी तरफ अंसार सबसे बड़ा हीरो भी है। आपको फिर से बंगाल के हल्दिया ले चलते हैं जहां से अंसार का रहस्यमय संसार शुरू होता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार की जड़ों को खोजते हुए हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, और हल्दिया में एक गांव है कुमार ग्राम, जहां तक अंसार की जड़ें आ रही हैं और पिछले 25-30 सालों से उसका इस गांव से नाता है। उसका वोटर आईडी कार्ड जो है वो भी यहीं का है। फिलहाल हम ये जो घर दिखा रहे हैं, इस घर को ध्यान से देखिए। अंसार ने ये घर बनवाया था काफी साल पहले। ये दरअसल उसकी ससुराल का गांव है, उसकी जिससे शादी हुई है उसका गांव यहाँ पर है। एक लौती लड़की होने की वजह से वो एक तरह से घर का ही बेटा हो गया और इस गांव में हमेशा उसका आना जाना लगा रहा। हल्दिया के कुमार ग्राम में भी अंसार का असली घर नहीं है, यहाँ उसकी ससुराल है और ससुराल के घर में भी ताला पड़ा हुआ है। उस वक्त रहस्य और गहरा हो जाता है जब हमें गाँव वालों से बातचीत में पता चलता है कि वो इस गांव के लोगों को हर ईद पर पैसा बांटने आता है। वो इधर आता है, जाते ही इसे सबको दान धन करता है, सब खाना पीना करता है, हर एक ईद में आता है इधर। ठीक है, आके इधर इधर सब अनुष्ठान मनाते, सबको दान धन कपड़ा फपड़े सब कुछ ही देता है, चीनी चोला सब कुछ देता है, फल मगर सब, हर एक मस्जिद में भी सब पैसा देता है रोजा खुलने के लिए। सब इस गाँव में अंसार की जीवनी जो दिखाई देती है वो उसकी इन तस्वीरों के साथ रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में अंसार के खिलाफ सट्टेबाजी का केस दर्ज। अंसार शराब की बोतलों के साथ और दारू के ग्लास के साथ तस्वीरों में नजर आता है, मोटी मोटी सोने की चेन और अंगूठियों के साथ तशन दिखाते हुए नजर आता है। सवाल ये है कि अंसार ने कैसे लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा है जो उन्हें अंसार की नशे की पार्टियां नहीं दिखाई दे रही। और तो और, दिल्ली की जहांगीरपुरी मस्जिद के इमाम भी अंसार को अच्छा लड़का बताते हैं, जबकि इलाके में उसकी दारू पार्टियों की
बात हर जुबान पर, और सबूत ये तस्वीरें। आइए जहांगीरपुर मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन को सुनते हैं। हाँ, अंसार को जानते हैं, मोहल्ला का लड़का है। ये कहा जा रहा है कि अंसार के पास यहाँ से किसी ने फोन करके उसको बुलाया था, आपकी अंसार से फोन पे बात हुई थी है? ये सरासर गलत है कि अंसार को फोन करके यहाँ मस्जिद में बुलाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अंसार वो लड़का है, ये कई वीडियो भी शामिल है, कि यात्रा वालों को लाठी डंडे तलवार वालों को समझा रहा था कि ऐसी बात ना करो जिससे हमारा प्यार मोहब्बत खराब हो। मतलब अंसार को बुलाया नहीं गया, तो अंसार अचानक आया या पहले से ही यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर बुलाया नहीं गया, ये मैंने नहीं देखा कि अचानक आए या नहीं आए। आपकी अंसार, आपने पहली बार अंसार को कब देखा? हमने अंसार को पहली मरतबा देखा था 2:30 बजे। नहीं, उस वक्त जब ये हंगामा चल रहा था? नहीं, मैंने नहीं देखा उनको यहाँ मस्जिद के गेट पे नहीं देखा। अब इससे आगे की हमारी पड़ताल में अंसार और भी रहस्यमय हो जाता है। आज तक की टीम जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक की उस गली में पहुंचती है जहां अंसार का मकान है। अंसार के पड़ोसियों ने बताया कि अंसार लोगों की बहुत मदद करता है। पहले वो कबाड़ का काम करता था, अब पटरी पर मोबाइल फोन बेचता है। अंसार कौन था, क्या काम करता था, किस तरीके का व्यवहार था, जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि दीक्षित है जी। रवि दीक्षित जी, क्या आप अंसार को जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ। कम से कम 12 साल से हमारी गली में है वो, और समाज सेवी है, लड़कियों की शादी भी कराते हैं। लॉकडाउन में उन्होंने राशन भी बांटा है, अपना मकान गिरवी रख के उन्होंने लोगों के घर पे राशन पहुंचाया है। नेचर वाइज हर कोई भी जहांगीरपुरी या गली में कोई बात हो जाती है तो वो खड़े रहते हैं साथ में। हाँ, सोल्व करवा। काम क्या करते हैं वो? काम पहले उनका कबाड़े का था, फिर मोबाइल का उन्होंने दुकान करी थी। कब से जानते हैं अंसार? मैं अगर 4 साल से जानता हूँ जी। क्या जानते हैं अंसार के बारे में? अंसार भाई जो है वो अपने जगह बिल्कुल सही है, और जो है मोबाइल की दुकान है उनकी यहाँ पर, वो कबाड़े बाजार में मोबाइल की ठिया लगाते हैं। दुकान भी नहीं है उनकी, ठिया लगाते हैं। अंसार लोगों की मदद करता है, पैसे बांटता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ मोबाइल फोन बेचता है, वो भी टेम्परेरी दुकान पर। तो फिर अंसार के पास कौन सा गुप्त खजाना खुला हुआ है? क्या अंसार का भी कोई बॉस है, और क्या उसी बॉस के बूते अंसार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में? फिल्म पुष्पा का झुकेगा नहीं वाला एक्शन करते हुए नजर आता है। अब दिल्ली पुलिस भी अंसार का रहस्य पता लगाने में जुटी हुई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अनुपम मिश्रा, हल्दिया, आज तक। दिल्ली दंगों को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। दंगों के पीछे मुख्य साजिशकर्ता अंसार को माना जा रहा है। अब दंगाई नंबर 1 को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये कि दंगाई अंसार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है, अंसार तो आम आदमी पार्टी का नेता है। दिल्ली के दंगाई नंबर 1 अंसार पर सियासी तू-तू में सुनिए। वो आदमी अंसार, क्योंकि उसने कहीं पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए। आज मैं आपके सामने उसी तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं, आप दिखा दो यहां पे। ये लाइट जला दो, वैसे ये वाली फोटो बहुत है, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं रहेगी मुझे लगता। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखिए ये टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। दिल्ली का जो पहले दंगा हुआ और अब के दंगे में जो पकड़े गए हैं, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध आम आदमी पार्टी से है या नहीं है, आम आदमी पार्टी पहले देश को बताए। आम आदमी पार्टी ने उन दंगाइयों पर और पुलिस पर जो आक्रमण, उन दंगाइयों को के बारे में जानकारी लेने जब पुलिस पहुंची, जो आक्रमण हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ कश्मीर के अंदाज पे, उसके बारे में आम आदमी पार्टी का एक भी बयान नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी पहले अपने दामन को साफ करे, फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल करे। इस देश में सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं।
क्या दिल्ली दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश है? इस सवाल का जवाब 180 सेकंड के एक वीडियो में कह दे। आखिर दंगों से पहले आधी रात को बड़ी साजिश का सबूत दिल्ली पुलिस को कैसे मिला, आपको दिखाते हैं। नंबर ए, वीडियो नंबर दो, वीडियो नंबर तीन, कैमरे में दंगाई, कैमरे पर सबूत, दंगे की गवाही। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुए दंगों का एक पक्ष इन तीन वीडियो में आपको नजर आएगा। सब कुछ आप कैमरे में कैद देख सकते हैं। शोभा यात्रा के दौरान हुए फसाद का सच मोबाइल कैमरे से बनाए गए वीडियो में मौजूद है, लेकिन दंगों से जुड़ा एक वीडियो आपने अब तक नहीं देखा हो। दंगे से पहले आधी रात दंगे की तैयारी। कौन है कैमरे में कैद दिल्ली के दंगाई? अब तक की जांच में कई दंगाई सराखों के पीछे पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगे का मुख्य साजिशकर्ता यानी अंसार कानूनी फंदे में फंस चुका है, लेकिन क्या शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा सिर्फ चंद मिनटों की बात थी? सबसे पहले आपको हिंसा के सेंटर पॉइंट पर मौजूद इमान सलाउद्दीन की बात सुनाते हैं। उस दिन हमारा रोजा का अफ्तार खोलने का टाइम था 6:15 बजे। हम लोग अपने रोजा इफ्तार में लगे हुए थे। शोभा यात्रा उससे पहले 2 मरतबा यहाँ से गुजर चुकी थी। तीसरी मरतबा जब मस्जिद के गेट के पास आए तो जोर से डीजे बजाना, नारेबाजी, जय श्री राम के नारे लगाना, सबके हाथों में कट्टे, तलवारें और लाठी डंडे थे। जोर जोर से मस्जिद के पास वो डीजे बजा रहे थे और मस्जिद के तरफ झंडा फेंकने की कोशिश कर रहे थे। सलाउद्दीन उसी मस्जिद के इमाम हैं जहां पर हुआ विवाद दंगों में बदल गया। इमाम सलाउद्दीन की माने तो सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन फसाद से करीब 16 घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ, वीडियो में जो दिख रहा है, उसने दंगे के तार का एक सिरा सुनियोजित साजिश की तरफ मोड़ दिया। दरअसल दंगों के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस के हाथ करीब 3 मिनट का यही वीडियो लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फुटेज में नजर आ रहे लड़के कोई और नहीं बल्कि हिंसा में शामिल दंगाई। ये सीसीटीवी फुटेज 15 अप्रैल की रात करीब 2:11 का है। इस सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों को हमले के लिए लाठियां इकट्ठी करते हुए देखा गया है, यानी शोभा यात्रा के दौरान दंगे की साजिश पहले से तैयार की जा रही थी। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद साजिश के एंगल से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि जब दंगाई लाठियां जुटा रहे थे तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और यहां तक कि मौके पर झड़प तक हुई। इसे आप यूं समझिए कि 15 और 16 की दरमियानी रात 5 लड़के सीसीटीवी में कैद हुए। सफेद टी शर्ट पहने एक दंगाई अपने साथी को डंडे इकट्ठा करने का इशारा करता है। 4 आगे बढ़ जाते हैं जबकि एक सड़क के किनारे डंडा निकालने लगता है। इसी बीच एक और लड़का दिखाई दिया। थोड़ी देर में चारों दंगाई वापस आते हैं
और सभी डंडा निकालने लगते हैं। आधी रात को ही इस हलचल से आस पड़ोस में रहने वालों को भनक लग जाती है। स्थानीय लोग दंगाइयों को हिदायत देते हैं, लेकिन इसके बाद दंगाई उन्हें डंडों से डराने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते तीन लोग घर से नीचे उतरते हैं और उनकी दंगाइयों से झड़प हो जाती है, और ये सब दंगों से पहले रात को हो रहा था। रात को दंगाई लाठियां इकट्ठा करने गए तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। वीडियो को देखें तो यही संकेत मिलता है कि शोभा यात्रा का हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, उसी साजिश का हिस्सा जिसकी मदद से दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा में झोंक देने की कोशिश थी। अब पुलिस इस वीडियो के बिना पर स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज करेगी, ताकि कोर्ट में केस को मजबूती के साथ रखा जा सके, ताकि दिल्ली की दंगा ब्रिगेड को कानून से खिलवाड़ करने की सजा मिल सके। तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक। दिल्ली दंगों की क्राइम फाइल के कई पन्ने खुल चुके हैं, लेकिन कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। 150 से ज्यादा वीडियो, दर्जनों सीसीटीवी फुटेज, 200 से ज्यादा संदिग्ध, 24 से ज्यादा गिरफ्तारियां। दिल्ली दंगे पर बड़ा एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया है। पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, एक एक डिटेल आपको आज तक के तीन संवाददाता ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। दिल्ली दंगों की जांच में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, दंगाइयों पर कानून का शिकंजा तेजी से कसता जाएगा। जहांगीरपुरी के दंगे की जो सबसे बड़ी विजुअल थी वो सोनू अलियास यूनुस की वो गोली चलाने वाली छवि थी। सोनू को कल दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने मंगल बाजार के एरिया से पकड़ा, और अभी जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि सोनू को हथियार किसने दिया, गुल्लू नाम के एक शख्स का नाम आ रहा है, और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस इस इंसान को गिरफ्तार करने में फोकस कर रहे हैं। गोली चलाने वाला आरोपी पकड़ा जा चुका है, वहीं अंसार और उसके गुर्गे भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कई टीमें तहकीकात में जुटी हुई है। दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन को बदला है। यहाँ पर पुलिस ने अब कुछ नए तरीके अपनाए हैं इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए। आप देखिए, सामने हम आपको दिखाते हैं जहां पर लिखा हुआ है वे टू सेक्टर 1, यानी इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टर में बांट दिया। ये है सेक्टर 1, और ये देखिए, ये वो तमाम अधिकारी हैं जिसमें एक एडिशनल DCP स्तर के, उनके नीचे एक ACP और तमाम फोर्स। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए वे टू सेक्टर 4। इस तरीके से अलग अलग तरीके से 5 सेक्टरों में पुलिस ने इसको बांटा है, और हर सेक्टर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है जो देख रेख करेंगे एडिशनल DCP स्तर के अधिकारी। ये इसीलिए किया गया है ताकि हर सेक्टर को, जो 5 सेक्टर बनाए गए हैं, अगर कहीं कोई रेड होती है या कुछ होता है तो वो जो फोर्स है उस सेक्टर की पर्टिकुलर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा के लिए आयोजकों ने परमिशन नहीं ली, लेकिन पुलिस के इस दावे को बेल पर छूटे VHP नेता गलत बता रहे हैं। हम लोग हर साल विश्वंदु परिषद बजरंग दल की यात्रा निकालते हैं, और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से निकालते हैं। हम भारत में कहीं पाकिस्तान में नहीं है कि जो इतना, मतलब हमें कोई ज्यादा उस तरीके की परमिशनों की जरूरत पड़ती है। आराम से निकालते हैं अपने क्षेत्र में, अपना आस्था को मतलब दिखाते हैं। और दिन भी आप ऐसे आराम से निकाल रहे थे यात्रा? नाचते गाते भजन करते हम अच्छे से मतलब यात्रा निकाल रहे थे, और हमारे पास दोनों थानों की परमिशन थी। कौन से थानों की? एक महिंद्रा पार्क थाना जो हमारे रूट में आता है, और एक जहांगीरपुरी थाना जहाँ से हमने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद वाकायदा हमें थानों से अधिकारी मिले थे, और जो जीप वगैरह जो भी अधिकारियों के होता है सब हमारे साथ में शुरू से थे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन दंगे की आंख से जहांगीरपुरी इस वक्त किले में तब्दील हो चुका है।
जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर आज तीसरा दिन है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जहांगीरपुरी का सी और डी ब्लॉक जहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसा हुई उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कल जब सोनू जो यहां पर कंप्लेसेंट पाए गए हैं क्राइम में उनकी बीवी से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची तो यहां पर हल्के फुल्के पथराव के इंसिडेंट देखे गए और इसके चलते आज पूरी तरीके से ये सेक्टर D2 को भी पुलिस ने बैरिकेड करके बंद कर दिया है। यहां से जितनी दूर आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं जो यहां पर ये जो एरिया बना हुआ है ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं। यहां पर छोटी छोटी जो क्लस्टर्स हैं यहां लोग रहते हैं इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये रूट था जो शोभा यात्रा के प्रोसेशन का रूट था और उस तरफ आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद है हम आपको पीछे दिखाएं यहां पर है, यहां पर भी दिल्ली पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त लगा के रखा हुआ है। यहां पर एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट है, CRPF है और रैपिड एक्शन फोर्स की जरूरत पड़े तो वो भी तैनात की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस दंगों की इन्वेस्टिगेशन पर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं जी कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने अप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सर वन क्वेश्चन। दंगों की साजिश कई परतों में लिपटी हुई है, परतों में छिपे कई चेहरे से पर्दा उठना भी बाकी है। मिलन शर्मा और श्रेया चतुर्वेदी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जहांगीरपुरी दंगे का सच खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जांच में जुटी है और आज तक की इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जहांगीरपुरी हिंसा का सच जानने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। आज तक के खुफिया कैमरे पर हिंसा के चश्मदीदों ने जो खुलासा किया है जहांगीरपुर में बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आइए सुनते हैं खुफिया कैमरे पर जहांगीरपुरी हिंसा के चश्मदीदों। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे का सच सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है और हिंसा के सच की पड़ताल आज तक कर रहा है। जहांगीरपुरी दंगे के सुराग तलाशने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ठीक उस इलाके में पहुंचती है जहां से 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंसा भड़कती है, ठीक जहांगीरपुरी की मस्जिद के पास। आज तक ने खुफिया कैमरे पर दंगे का सच जानने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया और खुफिया कैमरे पर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले आपको हिंसा के चश्मदीद करण को सुनवाते हैं। पुलिस थी, पुलिस वालों की भी चापड़ मारे हैं सर, पुलिस वाले एक के यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ लगी हुई है, उन्होंने भी बहुत बचाया है, उन्होंने बचाया जब जाके तो बहुत बचे हैं सर। तो सुना आपने, करण ने बताया कि उपद्रवियों ने पुलिस को भी मारा लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे पर दूसरे समुदाय का चश्मदीद राजा जो बताता है उसके खुलासे से हिंसा का असली गुनहगार कौन है इसी में पेच फंस जाता है। हर साल जाती है इनकी रैली, हर साल कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बार 4-5 दिन माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम यहाँ हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतना प्यार से रहते हैं ना, यहाँ पर अगर मकान मालिक हिंदू है ना तो ऊपर मुसलमान किराया जा रहे हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ। तो क्या जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे कोई ऐसा चेहरा छुपा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कोई ऐसी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है? अब हिंसा के चश्मदीद करण का एक और खुलासा सुनिए, इससे समझ में आएगा कि शोभा यात्रा पर पथराव कैसे हुआ। तो आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक गई थी सर? ये गई थी समझ लो मंदिर से शुरू हुई, गली में से। कौन से मंदिर से? आगे वाले मंदिर से, मैं तो बता रहा हूँ, आगे एक मंदिर है वहाँ से चालू हुई है। इस गली में अंदर मंदिर है, वहाँ से निकाला उन्होंने PR करवा करके, तो यहाँ से चालू करी सर चौक से ही, वहाँ से सीधा राइट लिया, राइट मुड़ते के साथ ही लेफ्ट होंगे तो थाने से मुड़ते के साथ ही
हमने यू कवरी करा बी और सी को, बी और सी को कवरिंग करते हुए मुड़ते हुए आए ना मस्जिद के पास में, अगर रोक भी लिया सर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, मेरा मानना ही है। आपका कहना है जैसे बी और सी से होते हुए मस्जिद के पास आए, वहाँ पे आपकी रैली रुक गई, वहाँ पर रुक गई, अगर बी और सी से रुक गए जय श्री राम के नारे लगे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता सर। ठीक, उसके बाद में पथराव चालू हुआ, वहाँ से पथराव चालू हुआ, वहाँ से दिल में आई बढ़ाई। हम आपको बता दें कि करण खुद भी शोभा यात्रा में शामिल थे। करण जहांगीरपुरी हिंसा का वो सच बताते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि आगजनी कैसे हुई। भारी तकाश से इधर से भी और उधर से भी पत्थर चल रहे हैं, पत्थर चलने के बाद में सी ब्लॉक से और मस्जिद की साइड से भी पत्थर चल रहे हैं, पत्थर चलने के बाद में जितने पब्लिक थे सारे हो गए, ये सब चार से पांच लोग लेकर चले, बोतल पत्थर सर पेट्रोल भी फेंका है, पेट्रोल वाली उनमें भी आग लगाई है इनसे भी, ये तो सर पहले से ही प्लानिंग थी, सपा सपा दिख गया एक साथ इतने मामले इकट्ठे हो गए। आप लोग बोल सर 100 से 150 बताया था आपको मैंने, स्कूटी और बाइक, हाँ सर पब्लिक जरे जरे बच्चे थे छोटे छोटे मेरे छोटे भाई भी थे, ठीक अब जो देख रहा है ऐसा रकम पहली बार वो तो सर भागे नहीं थे ऐसी बात। लेकिन हम दोनों पक्ष की दलीलें समझना चाहते थे, दोनों का सच जानना चाहते थे। दूसरे पक्ष के चश्मदीद राजा ने बताया कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। क्या हुआ? आज क्या हुआ? ये लोग अचानक से आए, यहाँ बजाने लगे, कुछ लोगों ने मना किया था, मारने लगे, धक्का धक्का लगे, अगर आपको धक्का मारेगा आप ऐसा खड़ा रहो तो आप भी धक्का ही मारोगे, तो धक्का क्यों हुआ? कुछ लोग यहाँ से भी आ गए, ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया तो बहुत दौड़ हो गया, फिर पुलिस आ गई। उससे पहले पुलिस नहीं थी रैली में, पुलिस नहीं थी, एक भी पुलिस नहीं थी ये रैली में, एक भी पुलिस आप नहीं देख पाओगे रैली में। ये लोग तो डंडे और ये डंडे नहीं, चाकू तलवार, चाकू तलवार डंडे का ही होगा, बाकी सब चाकू तलवार, वो साउथ के फिल्म में जैसा हथियार दिखा रहे ना वो बनावट वाले वो सब है नहीं ये सब। लेकिन उनके तरफ से भी वीडियो है जिसमें आप लोगों के पास भी तलवारें और पत्ता हो रहा है, वीडियो टीवी में चल रहा है, हमने देखा ही। राजा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने तो शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पानी भी पिलाया था। आप लोगों ने पहले पानी वाली भी पिलाया, सब कुछ किया, गले मिलाया हम लोगों ने उनसे, हाथ मिलाया एकदम बाइज्जत, हमको हमने जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लोग कुछ ज्यादा लोग में तलद हो गए थे कि और यहीं बजाएंगे हम और यहीं करेंगे, फिर देखो बाकी पेट्रोल लगाया और ये झंडा वंडा भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, हाँ कोशिश की बस, फिर आपस में हो गया, फिर पता नहीं कौन लोग क्या करके क्या चीज करते हैं, ऐसे कुछ हुआ नहीं। अब सवाल ये है कि जहांगीरपुरी हिंसा को इस कदर भड़काया किसने? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें तीन बड़े नाम हैं, अंसार, असलम और पिस्टल के साथ दिखाई देने वाला सोनू उर्फ यूनुस इमाम। क्या ये तीनों ही हिंसा के गुनहगार हैं? या फिर इन तीनों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है? नितिन जैन और मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।